वेलकम टू फर्स्ट रिएक्शन ऑन बॉलीवुड मूवीज इन न्यूजीलैंड। अभी अभी हम ऑरेंज जेब देखकर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में जो है ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाई, बहुत ही स्मॉल ऑडियंस देखने को मिली। स्टोरी जो है वो धीरे धीरे पिकअप करती है और आई थिंक ऑरेंज जेब जो है वो स्टोरी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। हाल ही में हमें सुनने को मिला था, जैसे ही फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमें लगा कि ये डॉन की कुछ कॉपी होगी, बट इट्स नथिंग टू डू विद डॉन। डॉन जो है एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है, औरंगजेब इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द स्टोरी जो रही, हाईलाइट ऑफ द मूवी जो रही वो स्टोरी है। बात करते हैं इस फिल्म में काम करने वाले आर्टिस्ट और कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हम नाम लेंगे ऋषि कपूर जी का। उन्होंने एक नेगेटिव रोल अदा किया है और वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं इस नेगेटिव रोल में। अर्जुन कपूर, तकरीबन ऑडियंस जो है वो अर्जुन कपूर के काम को देखने के लिए आई थी। अर्जुन कपूर के लिए एक राय है हमारी तरफ से, आई थिंक ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेयर स्टाइल। उनका जो हेयर स्टाइल है वो टोटली 90s के हीरो का है। आई थिंक अगर वो थोड़ा अपने हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। लेकिन हाँ, उनके दो रोल थे, एक गुड बॉय एक बैड बॉय का। बैड बॉय में जो है उनका लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है और उनकी एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन है। कुछ ऑडियंस ने कहा कि पहली मूवी से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग इन्होंने की है। पृथ्वीराज जो कि एक पुलिस ऑफिसर बने हैं, बहुत ही बढ़िया इनका काम देखने को मिला। फर्स्ट मूवी में हम इनका इतना ज़्यादा काम नहीं देख पाए थे, बट हाँ इस मूवी में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैकी श्रॉफ, काफ़ी दिनों के बाद इतने अच्छे इम्प्रेसिव रोल में उन्हें देखा गया और उनकी एक्टिंग, उनके बारे में कहना जो है वो कुछ ज़्यादा ना ही कहे तो अच्छा है। आप अगर इस मूवी को थिएटर में देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। साशा आगा जो है सलमा आगा की डॉटर हैं, आई थिंक बहुत एवरेज लुकिंग गर्ल है। कुछ खास उनका रोल हमें देखने को नहीं मिला। आई थिंक शी इज़ ओके इन द मूवी। नाउ वी हैव गॉट प्रदीप। प्रदीप बताएंगे कि इनको ये मूवी कैसी लगी। मूवी तो अच्छा है, मस्त है, एक्शन मूवी और सब कुछ अच्छा है। स्टोरी नहीं, मूवी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। गाने एक दो है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। सो ओवरऑल आई लाइक इट्स अ गुड मूवी। अच्छा, आप अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका रोल किस तरह का लगा आपको, स्पेशली वो डबल रोल में नजर आए तो आप बताइए कि हिज परफॉर्मेंस वाज रियली गुड, लाइक व्हेन यू कंपेयर टू हिज फर्स्ट मूवी एंड दिस मूवी इट्स रियली इंप्रूव्ड अ लॉट एंड आई लाइक इट एक्चुअली। अच्छा, आपको इनका गुड लुक ज़्यादा अच्छा लगा या बैड लुक? बैड लुक ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, हाईलाइट ऑफ द मूवी आपके हिसाब से क्या है, बिकॉज इतने सारे इसमें एक्टर्स हैं तो आपको क्या लगता है कि किनका रोल ज़्यादा इंप्रेसिव था? ऋषि कपूर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऊपर नेगेटिव रोल तो, और अर्जुन स्टार थे, और जैकी श्रॉफ। All of them are good and I enjoyed most is Prithviraj. Prithvi? Yes. Actually, आप believe नहीं करेंगे, मैं सिर्फ पृथ्वीराज की एक्टिंग को देखने के लिए आई थी, क्योंकि अय्या में मुझे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला तो मैं expect था। Because he has got no dialogues in that movie, it's just on his like body show or something, it's like, his role was like that. Yeah. तो इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया आपके हिसाब से, पुलिस ऑफिसर के रोल में बहुत इम्प्रेसिव लग रहे हैं। अच्छा, पाँच में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस मूवी को? नाउ वी कम ऑन टू द कंक्लूजन। ऑडियंस के साथ बात करने के बाद हमें लगा कि काफ़ी लोगों को ये मूवी पसंद आई। थोड़ी स्लो है लेकिन फिर भी आई थिंक स्टोरी जो है इतनी पावरफुल है कि वो मोमेंटम को बनाए रखती है। हमारी रेटिंग है 3.5 out of 5। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू मूवी रिलीज। बाय।